हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रखे होंगे। अच्छा, आज जो है हम निकले हुए हैं एक दोस्त के साथ। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है रिक्वेस्ट आई है। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि मेलबर्न में होते हैं, उन्होंने कहा है कि भाई उनको गाड़ी लेनी है एक। और चूँकि आपको पता है कि मैं पहले भी जो मेरी गाड़ी मज़दा CX-9 में पहले ले चुका हूँ, तो उसके लिए जब भी बंदा कोई गाड़ी लेता है इस तरह की मज़दा CX-9 वगैरह, तो वो मुझसे ज़रूर कंसल्ट करता है। तो आज जो हमारी ये सेकंड मतलब थर्ड कार है मज़दा CX-9 जो हम बाय करने जा रहे हैं, और आपको शो करते हैं, आपको लेके जाते हैं साथ, वो आपको विजिट कराते हैं किस तरह यहाँ पर कार ली जाती है। अच्छा, मेलबर्न में ऐसा है कि मेलबर्न में जो गाड़ियाँ होती हैं थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसने क्या किया, उसने ऑनलाइन सर्च किया और उसने कुछ कार जो देखी, उसको एक कार पसंद आई है। तो उसने मुझे कहा कि आप जाके विज़िट करो और देखो कि अगर पसंद आती है तो फिर वो ख़ुद भी चक्कर लगा लेगा। तो इसलिए हम जो हैं एक जगह जा रहे हैं, तकरीबन मेरे घर से ये 30-40 मिनट्स की ड्राइव पर है। तो आपको लेकर चलते हैं और आपको साथ में थोड़ा सा विज़िट भी कराएंगे, एरिया दिखाएंगे, और बड़ा खूबसूरत मौसम है आज, तो स्टे ट्यून। अच्छा, देखें कितना ज़बरदस्त मौसम है आज और धूप निकली हुई है, ब्लू स्काई आपको दिख रहा है। काफ़ी अर्से बाद ये ब्लू स्काई आपको दिखा है यहाँ पर हमारे एरिया में। काफ़ी अर्से से बारिश हो रही थी और अभी हम M7 पर चल रहे हैं जो कि सीधा नॉर्थ सिडनी जाता है। देखें सिडनी कितना फैला हुआ है कि हम थोड़ा सा आगे निकले हैं तो वहाँ पर धूप निकली हुई थी और यहाँ पर देखें पूरा क्लाउडी हो हुआ है, एकदम से मौसम चेंज हो गया और यहाँ पर सारे क्लाउड आ गए वापस। तो लगता है बारिश होने वाली है इस एरिया में। चले जी, हम मोटरवे से एग्ज़िट करके नॉर्थ सिडनी के एरिया में दाखिल हो गए और ये देखें कितनी ग्रीनरी है इस एरिया में भी। और गाइस, हम लोग यहाँ नॉर्थ सिडनी पहुँच गए। अचानक ही मौसम चेंज हो गया यहाँ पर, देखें निकले वहाँ पर धूप थी और यहाँ पहुँचे तो क्लाउडी वेदर हो गया और बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की ना। देखिए पीछे मेरे घर बने हुए हैं, ये बहुत पुराने पुराने घर हैं और इन्होंने पहले सस्ते ले लिए होंगे लेकिन अभी तो इनकी बहुत डिमांड है। यहाँ पे तकरीबन सारे जो हैं गोरे रहते हैं, आपको देसी बहुत कम मिलेंगे और बहुत पुराने पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पर सारे। चलें हम तो गाड़ी देखने आए, आपको दिखाते हैं आगे ही शोरूम है। और शोरूम क्या है, डीलर है जो कि लोकल जो यूज़ कार वगैरह होती हैं यहाँ पर सेल करते हैं। नई गाड़ियाँ भी होती हैं, यूज़ कार भी होती हैं। तो अभी हम जो कार देखने आए हैं वो तकरीबन शायद 2020 का मॉडल है, तो वो हम देखेंगे, आपको भी दिखाते हैं गाड़ी, फिर आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको गाड़ी कैसी लगी। स्टे ट्यून। चलो जी, हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये रोज़विल का एरिया है और ये डीलर का नाम है SVM रोज़विल। काफ़ी वैरायटी दिख रही है इसके पास गाड़ियों की। तो हमने पहले बात कर ली थी इससे कि हम मज़दा CX-9 देखने आ रहे हैं आपके पास, तो मेरे ख्याल में गाड़ी तैयार होगी। ये देखिए, ये सामने खड़ी है गाड़ी मज़दा CX-9, देखने में बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, साफ़ सुथरी गाड़ी है, 2020 का मॉडल है ये। चेक करें। अच्छा, ऐसा होता है ना पाकिस्तान में जब आप कोई यूज़ कार लेते हैं तो आपको टेंशन होती है कि यार गाड़ी पता नहीं दो नंबर ना हो, इसमें इसका मीटर पीछे ना कराया हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है कि आप चेक कर लें, गाड़ी का नंबर डालें और चेक कर लें कि गाड़ी का मीटर जेन्युइन है, कोई इसमें मीटर को टेम्पर तो नहीं किया हुआ। तो ये सब दिख जाता है यहाँ पर, बड़ी आसानी है, तो आप आराम से यूज़ कार भी यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, अभी हम अंदर आएँ क्योंकि हमारा ये लाइसेंस वगैरह चेक करेगा, फिर हम टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे गाड़ी की। ऑलराइट गाइस, नाउ इट्स टाइम टू हैव अ टेस्ट ड्राइव ऑफ दिस कार। अच्छा, आप ये देख रहे हैं सामने ये जो वाइट पेपर इन्होंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है, तो इसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है, कितनी चली हुई है
और क्या स्पेसिफिकेशन है, तो सारी डिटेल आपको इस पेपर में मिल जाती है। और यहाँ पर आपको गाड़ी की गारंटी और वारंटी वगैरह मिल जाती है, और इसमें आपको सब कुछ कि गाड़ी की कब सर्विस हुई है और कहाँ सर्विस की गई है, तो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी होती है। अच्छा, हम टेस्ट ड्राइव करके आ गए, फ़ाहिर तो कोई गाड़ी में इशू नहीं लग रहा और गाड़ी समझ में आ रही है। और गाइस, गाड़ी पसंद आ गई है, मैं गाड़ी हमने डन कर दी है। तो जो दोस्त है उसको मैंने बता दिया कि भाई ये गाड़ी कंडीशन है, अब वो जो है उसको देखेगा, इनसे कुछ नेगोशिएट करेगा प्राइस वगैरह में, फिर फाइनल करके गाड़ी को डन कर देगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय।